बीरनगर पश्चिम बंगाल के मालदा के पास मौजूद एक गांव, जहां के लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। लोगों का आरोप है कि सरकार ने बीरनगर गांव में कोई विकास कार्य नहीं किया है। ग्रामीण बाढ़ की मार झेल रहे हैं और उन्हें अपनी आजीविका चलाने में भी मुश्किल आ रही है। भारी बारिश और नदी के उफान के कारण कई लोगों की जान चली गई या उन्हें पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। अब ग्रामीणों का कहना है कि उनके पास लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। ग्रामीणों का कहना है कि वे कई सालों से संकट में जी रहे हैं, क्योंकि नेता केवल झूठे वादे करते हैं। जितना सरकार पैसा भेज रहा है उतना पैसा का काम नहीं हो रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पैसा आ रहा है, 2 करोड़ आ रहा है, तो 1.5 करोड़ अपना जेब में रखता है, 50 लाख का काम कर रहा है। ये सरकार नहीं चलेगा। जो ममता बनर्जी है अभी हम लोग का सरकार, तो ये ममता बनर्जी है, खाली बोलते रहता कि ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन कुछ करते नहीं है। तो इसमें मैं बोल रहा हूँ कि ये ममता बनर्जी ये नहीं चलेगा। हम लोग को खाली शांत दे रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। कितना आदमी का घर चला गया है, कितना आदमी मर चुका है इतना टेंशन में इस घर के लिए, कितना आदमी चल चुका है, कितना आदमी का रो ने मतलब इतना रो गया है कि हार्ट अटैक भी किया है ये घर के लिए। और मैं बोल रहा हूँ कि ये सरकार नहीं चलेगा, फिर मोदी सरकार को लाना चाहिए ये हम लोग का मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। कोई भी सरकार यहाँ पर कोई काम भी नहीं करता है, कोई भी सरकार यहाँ पर देखने नहीं आता है। ये जो गंगा है, गंगा के किनारे में जो इतने लोग जो बास कर रहा है, कोई भी सरकार देखने नहीं आता है यहाँ पर। अरे ये जो सब पिलार दे रहा है ना सरकार से, इतने सरकार जो खर्चा कर रहा है, सरकार सुविधा कुछ भी जितना नहीं देगा, तब वोट हम लोग कैसे करेंगे? वोट करेंगे या नहीं? वोट कैसे करेंगे? वोट नहीं देने जाएंगे? और क्या फिर क्या मांग क्या है सरकार से? हम लोग सरकार से मांग रहा है जो गंगा बहन दीजिए, हम लोग यही बोल रहे हैं सरकार का। 2021 साल से ये जो गंगा दिख रहा है ना, वो गंगा में ये बस्ती है, 1000 परिवार गंगा में चला गया। जो बाड़ी घर जो घर दिख रहा है, कोई किसी बसन पत्र कुछ नहीं था, हटाया, ठीक है, सब कुछ नदी में चला गया। इस हाल में जो गरीब आदमी है कहाँ जाएगा? अभी तक कोई जाएगा जमीन नहीं पाया है। आपको बता दें कि मालदा में 7 मई को मतदान होना है। इससे पहले ग्रामीण अपने रुख पर अड़े नजर आ रहे हैं। फिलहाल की स्थिति देखकर तो यही लगता है कि कल यानी 7 मई को इस गांव के लोग वोट नहीं डालेंगे।